नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी जांगिड़। इस वक्त देख रहे हैं आप न्यूज लाइव राजस्थान। आइए चलते हैं खबरों की ओर। खबर है मॉनसून को लेकर। राजस्थान में मॉनसून का आगमन हो गया है, जिससे राज्य में वर्षा का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मंगलवार को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मॉनसून अब उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। राज्य के मौसम केंद्र ने जानकारी दी है कि आगामी 3 से 4 दिनों में मॉनसून के राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में फैलने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग के अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 27 और 28 जून को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्य वर्षा हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले 7 दिनों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मॉनसून के आगमन से किसानों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि वर्षा फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। मॉनसून की अच्छी वर्षा जल संकट को कम करने में भी सहायता होगी, जिससे नदियों, तालाबों और जलाशयों में जल स्तर बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान में मॉनसून के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों में मॉनसून पूरे पूर्वी राजस्थान को कवर करेगा। जयपुर मौसम केंद्र ने जानकारी दी है कि राजधानी जयपुर में मॉनसून 28 जून तक पहुंचने की संभावना है। इस प्रकार मॉनसून आगमन से राजस्थान में किसानों और आम जनता के बीच उत्साह का माहौल है। आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद में राज्य में फसल उत्पादन बेहतर होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। मॉनसून की यह शुरुआत राजस्थान के लिए समृद्धि और खुशहाली का संकेत है।